ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। आपको हैरान की होगी कि मुझे चोट क्यों नहीं आई। मेरी कामयाबी का राज है लिम्का, लिम्का जो मुझे चुस्त और तंदुरुस्त रखता है। लिम्का खाइए कुछ भी लेकिन पीजिए लिम्का, लिम्का जो स्वादिष्ट है मजेदार है। लिम्का लिम्का कट कट, वेरी गुड अमर, वेरी गुड वेरी गुड। यार क्या बात है यार अमर, तुम्हें चोट वोट तो नहीं आई? नहीं यार, सारी पीठ छिल गई। यार तुम स्टंट वालों का काम ही ऐसा है। ये लो तुम्हारे आज के 500 रुपए, गिन लो। यार 1-2 रुपए और दे देना, क्या 6 महीने के बाद काम मिला और मोहल्ले वाले कर्जदार दरवाजे पर खड़े हैं। लेकिन तुम तो जानते हो यार कि मुझे 1.5 साल के बाद ये शॉर्ट फिल्म मिली है, मैं तुम्हें कहाँ से दे सकता हूँ 200 रुपए? तेरे की उधार भी जिससे मांगा वो अपने से भी ज्यादा कड़का निकला। एनीवे फिकर नॉट बिन दास, थैंक यू वेरी मच, आइंदा आप उनको याद रखना। डेफिनेटली डेफिनेटली। पैक अप पैक अप, कैमरा डाल, लेट्स मूव, कम ऑन। ये बल्ब को क्या हो गया? माँ ये बल्ब खराब हो गया, मैं बाजार से दूसरा ले आता हूँ। नहीं बेटा, बल्ब लाने का कोई फायदा नहीं, बिजली कट गई है। बिजली कट गई? हाँ बेटा, कई दिनों से बिजली का बिल नहीं भरा ना, इसलिए वो लोग आकर लाइन काट गए। अरे उन लोगों की ऐसी की तैसी। ए माँ, इतनी सी बात के लिए घबरा गई? ये ले 500 रुपया, कल बिजली का बिल दे देना। फिगर नॉट बिंदास। नहीं बेटा, बिजली का बिल नहीं, सुबह सबसे पहले मकान का किराया दे दूंगी। मगर बिजली के बगैर? बिजली के बगैर तो रह सकते हैं लेकिन मकान के बगैर नहीं। क्या मतलब? आज मकान मालिक ने नोटिस दिया है, अगर 2 दिन के अंदर किराया नहीं दिया तो हमें ये मकान खाली करना पड़ेगा। माँ। बेटा, इस मकान से बहुत पुरानी यादें वाबस्ता है। मैं इसी मकान में ब्याह कर लाई गई थी और तू इसी मकान में पैदा हुआ। तेरे पिता भी यही गुजर गए, इसीलिए बेटा मैं यही बनना चाहती हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। बेटा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जीते जी मुझे इस मकान से अलग मत करना। मेरी यही इच्छा है बेटा। ए माँ,
जब तक तेरा ये बेटा जिंदा है फिकर नाट, ये मकान तुझसे कभी नहीं छूटेगा। लेकिन एक वादा तू भी कर मुझसे कि आइंदा कभी ये मरने वरने की बात नहीं करेगी। क्यों? एक दिन तो सभी को जाना है। सबको जाने दो, पूरी दुनिया को जाने दो, मुझे किससे क्या लेना देना। लेकिन माँ, माँ तू नहीं जाना। तेरे प्यार की रोशनी में मैंने अपनी जिंदगी का रास्ता पाया। अगर अगर तू चले गई तो मैं इस अंधकार से भरी दुनिया में भटक जाऊंगा, सर टकरा टकरा के मर जाऊंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं करते। भगवान तुझे रहती दुनिया तक हंसता खेलता रखे। मैं कभी ऐसी बात नहीं करूं। बस चल हंसते, हंसना। पहले बच्चों की तरह रुलाती है, फिर कहती है हंस, नहीं हंसूंगा। मेरा बच्चा वो नहीं कहेगा फिकर नॉट फिंदास। शरीर कहीं का, चल हाथ मुंह धो ले, भूख नहीं लगी? हाँ बहुत लगी है। चल लामा जल्दी से। हाय हाय हाय, अरे क्या हुआ? क्या शानदार दाल बनाई है। मैं तो डरी गई थी। तू डरती बहुत है माँ, इतनी शानदार दाल बनाई हमारी माँ ने कि। अरे तू बैठ, मैं चलाती हूँ। ये पट्टी कैसी? अरे यूं ही, खाना बनाते हाथ जल गया। हाथ जल गया? तेरा चश्मा कहाँ है? टूट गया। कब? 2 दिन हुए। इसलिए हाथ जल गया? तो क्या हुआ, मुझे चश्मे की कोई जरूरत नहीं। बेकार का कौन बोझ उठाए उठाए घूमे, मैं तो उसके बगैर भी सब कुछ कर लेती हूँ। क्या खा कर लेती? पत्ती किलो तुझे दिखाई नहीं देती। खाना पकाते वक्त तेरा हाथ जल जाता और तू कहती है कि तुझे इसकी जरूरत नहीं। मैं सच कहती हूँ बेटा। मैं जानता हूँ ये सब कुछ तू क्यों कह रही है। क्योंकि मेरी आमदनी ज्यादा नहीं है, मैं कम कमाता हूँ, चश्मा कहाँ से लाऊंगा, यही ना। अरे नहीं, मैं चल पहले खाना खा ले। चल ना, चल साथ में खाते हैं। शंकर, शंकर आओ। हीरो है, मुझसे कुछ कहा? अबे बैठ जा बे, अभी शीशा दिखाऊंगा तो डर के मारे मर जाएगा, बैठ जा। हीरो समझता अपने आप को। कहो प्यारे, क्या हाल है? यू कैन नॉट बिंदास, तो अपना सुना। अरे अपनी भी गुजर रही है दिन रात, और क्या। एक पैक तो मार यार। तेरा छोड़, मैं तेरे पास एक बहुत जरूरी काम से आया। बोल। मैं मुसीबत में हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कर्जदार आकर रोज सुबह शाम माँ की बेइज्जती करके चले जाते हैं। घर में खाने को नहीं, ऊपर से बत्ती भी कट गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। क्या बात कर रहा, बोल बोल कितने पैसे चाहिए। 1,000, एक हफ्ते में दे दूंगा। 1,000? नहीं प्यारे, 1,000 रुपया होता तो मैं अपना फर्नीचर बदल देता। खटमल भरे इसमें, ग्राहक चिल्लाते रहते हैं। अपने गल्ले में तो 100-150 रुपया है, चाहिए तो ले लो। 100-150 से कुछ नहीं होगा, चलता हूं। अरे जा कहां रहा है यार, कहीं और जाकर कोशिश करता हूँ, शायद मिल जाए। वरना फाके और ठोकरे तो मेरी किस्मत ने लिखी है। ठहर जा प्यारे, एक आइडिया सूझा है। सुन, आज रात तेरी किस्मत आजमाई जाए। मतलब? अरे मतलब यार, ताश है? मैं जुआ नहीं खेलता। तू जुआ नहीं खेलेगा तो क्या भूखा मरेगा? साथ में माजी को भी भूखा मारेगा। कल सुबह जब कर्जे वाले फिर से गालियां देने आएंगे और मकान मालिक भाड़ा न देने पर तेरे को धक्के देकर बाहर निकाल देगा तो तेरी शराफत धरी की धरी रह जाएगी। अमर, इस दुनिया में शराफत का सर्टिफिकेट उसी को मिलता है जिसकी जेब में नोट रहते हैं। नोट अपन ने भी 2-4 बार शरीफ बनने की कोशिश की थी, वो जूते पड़े कि अपनी खोपड़ी का डिजाइन बिल्कुल बदल गया। मेरी बात मान प्यारे और चल मेरे साथ।
संभाल, 4 बज गए हैं, घर पे माँ इंतजार कर रही होगी। मिस्टर, तुम्हें शायद जुए के उसूल नहीं मालूम कि जीत कर भागा नहीं करते। घर पे माँ इंतजार करती है तो करने दो। हम जुआरियों की माँ तो ये ताश के पत्ते हुआ करते हैं। इन्हें खुश रखो, बहुत सुखी रहोगे। ऐसी माँ जो आज एक के हाथ कल दूसरे के हाथ, वो माँ तेरी होगी, मेरी नहीं हो सकती। संभाल कर बात करो, जानते हो किससे बात कर रहे हो? जवारियों के साथ। बच्चे, यहाँ लोग आते हैं अपनी मर्जी से और जाते हैं हमारी मर्जी। बैठा रहा मेरे बाप, दो चार हाथ और खेल लेगा तो फिर रख दिया जाता है। कुछ क्यों करता है, खेलेगा, खेलेगा, खेलेगा। मैं जाता हूँ, देखता हूँ मुझे कौन रोकता। बाजी जीत चुके हो। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले एक बात सुनते जाओ। इस धंधे में दो चीजों की सख्त जरूरत होती है, एक है तकदीर और दूसरी ताकत। इत्तेफाक से तुम दोनों के मालिक हो। हमें तुम जैसे आदमी की सख्त तलाश थी, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ मिलकर काम करो।
मुझे सोचने का कुछ मौका दीजिए। इस दुनिया में जो लोग सोचते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं, उन्हें कुछ करने का मौका नहीं मिलता, और जो लोग कुछ कर गुजरते हैं उन्हें दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो ठीक है साहेब, लेकिन अपनी कुंडली कुछ उल्टी है। जब तक सोचता नहीं तब तक मन की घंटी नहीं बजती, जब तक मन की घंटी नहीं बजती अपने साले से कुछ काम ही नहीं होता। चलो तुम्हारे खातिर ये भी मंजूर है, हम तुम्हारे सोचने और मन की घंटी बजने का इंतजार करेंगे, लेकिन कल रात हमें टेलीफोन जरूर कर लेना, चाहे तुम्हारे मन की घंटी बजे या ना बजे। अच्छी बात है, यहाँ की घंटी बजे ना बजे आपके टेलीफोन की घंटी जरूर बजा दूंगा। तू जल्दी कर भाई, और देर कर दी तो तेरी माँ मेरी घंटी बजा देगी। चल चल चल। चलो हटो यहाँ से, चलो। देखो इंस्पेक्टर, मैं अब भी कहता हूँ मुझे छोड़ दो, वरना जग्गी के साथ दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अबे चल बे चल, तेरे जैसे बहुत से जग्गी को मैंने मक्खी बनाकर मसल डाला है। चल अरे चल, चलता है कि नहीं? जग्गी पर हाथ डालने का नतीजा? अब देखता हूं कौन माई का लाल आकर तुम्हें बचाता है। किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया कि जग्गी के घर में घुसकर उसे पकड़ ले, और किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया कि अमर के दोस्त के साथ टक्कर ले सके। सुनील अब मैं आ गया हूँ, बिंदास फिकर नॉट। अरे आगे बढ़ा तो गोली पार कर दूंगा। सुनील तुम्हारे मेहमान। चलो दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, अबे देखता है क्या? चल दादा बनता है बड़ा, ले जाओ इन्हें। चल चल रहे, चल रहे, देखता है क्या, मुंह छोड़ दूंगा। चल चुप चुप, चल चल। अरे गिरी कर, तू यहाँ कैसे आ गया यार? अरे सुनील बड़े दिनों के बाद। यार मैंने तो सोचा था सिर्फ तेरा नाम ही अमर है, लेकिन तूने तो मेरी जान बचाकर आज मुझे भी अमर बना दिया। अरे यार तू इतने वर्षों के बाद मिला, जरा प्यार मोहब्बत की बातें कर, ये क्या फिल्मी डायलॉग मारने शुरू कर दिए? ये फिल्मी डायलॉग है और नहीं तो क्या? अबे साले दिल से बोल रहा हूँ। अच्छा तो फिर दिल को ताला लगा और मुंह से बोल के। ये साला तू इंस्पेक्टर कब से हो गया रे? 4 साल हो गए। अच्छा तू कैसा है यार? बस दाल रोटी चल रही है, तेरे तो ऐश होंगे। अरे काय की ऐश यार, रोजाना इसी तरह जिंदगी को मौत के मुंह से बचा बचा कर लाना पड़ता है। अमर आज जो तूने मेरी जान बचाई है इसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर वही बात। अच्छा ये बता माँ कैसी है? माँ? अरे माँ एकदम फर्स्ट क्लास। क्या हुआ? अरे बाप रे, माँ का चश्मा नहीं, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, माँ मेरा घर पे इंतजार कर रही। मैं चला इंस्पेक्टर साहिब। अभी सुन, माँ से कहना मैं आऊंगा। ओके। साला वैसे का वैसे ही है। ठीक है तुम गाड़ी में बैठो, मैं भी ठीक। अरे हमारे खत्म हो गया। क्या हुआ? माजी का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा आओ चलो हम बताते हैं।
अमर, बहुत अच्छा किया तुमने जो टेलीफोन कर लिया। माँ की तबीयत कैसी है? अमर, डॉक्टर, मेरी माँ बच जाएगी ना? अमर, तुम धीरज रखो, हमने पूरी कोशिश की है, आगे सब भगवान के हाथ में है। आप लोग अंदर आ सकते हैं। तेरे पास माँ। मेरे पास आ, मुझे नजर क्यों नहीं आता बेटा? माँ देख, देख माँ, मैं तेरे लिए चश्मा लाया हूँ। लगा ना चश्मा बेटा, मैं एक बार तेरी सूरत देखना चाहती हूँ। अरे लगा ना चश्मा, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। चश्मा तो लगा हुआ है माँ, चश्मा तो। फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं देता बेटा? मेरे करीबा। हाँ बोल माँ, बोल। मुझे मुझे कुछ नजर नहीं आता बेटा। डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए ना। टेक इट इजी अमर, भगवान की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं? प्लीज भगवान, नहीं। वो धनवान जिसने दौलत के घमंड में मेरी मां को इंसान ना समझते हुए घायल करके बीच रास्ते में चला गया। मैं तेरे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, तेरे शरीर से बहे हुए खून के एक एक कतरे की कसम मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। प्लीज अमर। मां, अगर मैंने उसे तड़पा तड़पा के नहीं मारा तो तू अपना दूध कभी मुझ पर माफ मत करना। क्या पागलों की सी बातें कर रहे हो अमर? बेकार की कसमें खाते चले जा रहे हो। तुम्हारी मां को किसी और ने नहीं बल्कि गरीबी ने मारा है। इंसान का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है गरीबी। आज ही इस बात का फैसला कर लो कि अपनी गरीबी को अपने हाथों से खत्म कर दोगे और इतनी दौलत कमाओगे कि दोबारा भूल कर भी गरीबी मौत का लबादा ओढ़े तुम्हारे घर की चौखट पर कदम न रखे। अमर, हमें बड़ी खुशी हुई है कि तुमने हमारी बात मान ली और अकलमंदी का सबूत दिया। अब तुम देखना कि दौलत तुम्हारे कदम चूमेगी और गरीबी तुमसे कोसों दूर भागेगी। ये हैं तुम्हारे कुछ साथी जिनके साथ मिलकर तुम्हें काम करना पड़ेगा। ये है हमारा भाई रंजीत और ये है मिस्टर मनमोहन जो सबका मन मोह लेते हैं। हाउ डू यू डू? नहीं कैप्टन, आपके साथ हाथ मिलाने के बाद अब यह हाथ कभी किसी से नहीं मिलाऊंगा। मैंने इस हाथ का अंदाज बदल दिया है। मैं ये हाथ लोगों के साथ मिलाता रहा, उनके सामने हाथ जोड़ता रहा, लेकिन लोगों ने मुझे कुछ नहीं दिया। लोग मेरा मजाक उड़ाते रहे। आज उन्हीं लोगों का घमंड तोड़ दूंगा। अब वही लोग मेरे सामने हाथ जोड़ेंगे। अरे मेरी मधुमती, मेरी बिस्की, तेरा ये ब्रांडी जैसा आशिक तेरे बगैर सड़ सड़ के बेवड़ा हो रहा है। अरे बेवड़े के बच्चे, मेरा बापू अंदर है। है? हाँ। वो कालिया ड्यूटी पे नहीं गया आज? की तबीयत खराब है, तुम जाओ यहाँ से। अरे बेटी, तू किसके साथ बात कर रही है? कोई नहीं बापू, वो फकीर आएगा, उसको मैं कह रही थी कि मेरे बापू की तबीयत ठीक नहीं है, माफ करो, आज जाओ कल आना। अरे वो फकीर को मार गोली, मेरा सारा बदन टूट रहा है, आ मेरी पीठ दबा। अरे माफ करो, कल आना। अल्लाह खैर करे। बापू। क्या है बापू? तुम पुलिस की नौकरी छोड़ के कोई और नौकरी क्यों नहीं कर लेते? सारी सारी रात दारू बेचने वालों के पीछे भागना पड़ता है। अरे अच्छी नौकरी छोड़कर मैं क्या नौटंकी में कमर मटकाते फिरूं? नहीं नहीं बापू, मेरा मतलब है पुलिस में कोई और भी तो नौकरी हो सकती है, जैसे रास्ते में गाड़ी को हाथ दिखाना। तू क्यों मुझे डांसर बनाने पे तुली है?
अच्छी खासी रुबाबदार नौकरी छोड़कर रास्ते के बीच में ता ता था भरतनाट्यम करूं। मैं फौलाद जैसा मजबूत आदमी लोहे को दबा दूं तो रस निकालूं। एक दिन बेवड़े शंकर की खोपड़ी दबाकर उसमें से भी मैं ऐसा ही रस निकालूंगा। अरे तो क्या कर रही है, कमर दबा रही है, लकड़ी खेल रही है। अभी ठीक हो गया बापू। चाय बना? अभी चाय नहीं चाहिए, वर्दी के टाइम हो गए। तो बिला तुम्हारा दामाद। दामाद? इसका दामाद? अरे दामाद नहीं जी, अहमाद। अहमाद कान में कड़वा तेल डाल के रखूं क्या? ज्यादा भंगस नहीं चाहिए, मैं अंदर कर दूंगा। अंदर किधर को जी? अंदर चौकी में। चौकी में तुम झाड़ू मारते क्या जी? झाड़ू नहीं मारते हम, हवलदार है। अरे गवर्नमेंट को क्या हो गया, कैसे कैसे लोगों को पुलिस में भर्ती कर रखा है। चुप रहो, काम क्या है बोलो। ओ काम जी, काम तुम्हारा टेलीग्राम है। किसके नाम का है? काला बंदर। नहीं, जमादार बाल चंदर। जमादार नहीं, हवलदार। ये की बात जी? ये की बात कैसा है? ये तुम्हारा टेलीग्राम। हाँ। ये इधर को छापा मारो, अंगूठे का 420 नंबर। अरे पोस्ट का नंबर जी, पोस्ट का नंबर। ये छापा मारो। छापा क्यों मारो, हम हिंदी में साइन करता है। ये करता है? हाँ। तो फिर करो। हाँ। करो। ये लो। साइन तो ठीक करता। हाँ? पोस्टमैन साहब। अरे ये तो अंग्रेजी में है, जरा हमको पढ़ को दिखाओ। हाँ, काम को पढ़ा तो पोस्टमैन साहब बोले। पढ़ो पढ़ो। हवलदार जी। हाँ। ये चंपा कली कौन है जी? ये हमारा बहन है। अच्छा, चंपा कली? सीरियसली डैड? डैड यार क्या हो गया उसको? अरे तुम्हारा बहन चंपा कली बुरी तरह मर गया। हाँ। चंपा कली बहन तू मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? मधु मैं अभी गांव जा रहा हूँ। बापू गाड़ी तो 4 बजे जाती है। अरे वो 4 बजे का गाड़ी, 12 बजे हो गया जी, बाकी सब कैंसिल। हाँ ये ठीक कह रहा है। तुम मेरा सामान तैयार करो, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। जल्दी करो जी, जल्दी करो बापू। अरे मेरी मधुमती, तू जा। अरे बेटी मेरा सामान बांध दिया। बहू बांध रही हूँ। हाय हाय मेरी बहन, मेरी बहन। अरे तो अभी तक यहाँ खड़ा है, चले गए यहाँ से। दिवाली का बख्शीश नहीं देता ही? मेरी बहन मर गई और दिवाली का बख्शीश मांग रहा है, चले गए यहाँ से। ओ फिर कोई मरेगा, हम ही टेलीग्राम लेते हैं। चल चल आज आप जाते ही जाते ही। अरे रोको बाबा। ओ ओ बालचंद्र भैया, ओ बालचंद्र भैया। अरे सुनो रुको, अरे सुनो तो। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी गाड़ी छूट जाएगी। अरे भैया मैं हूँ तुम्हारी बहन। अरे मेरी बहन तो मर गई। अरे मैं जिंदा हूँ, मरी कहाँ, अभी गांव से आ रही हूँ। चंपा कली तुम? देखा अपुन के छोटे से तार में तुम्हारे जमादार बापू। जमादार नहीं, हवलदार। हाँ हाँ हवलदार बापू का तार तार हिला दिया। पहुंच गया होगा वीटी स्टेशन पर, गाड़ी ने सीटी दे दी होगी और गाड़ी के पीछे सामान लेकर भाग रहा होगा कंजूस, क्योंकि कूली को चारा में तक नहीं दे सकता ना। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरी फुप्पी सचमुच मर जाए। मरेगी मरेगी। मुझसे कहती है तुम्हारे लिए गाँव में एक लड़का देखा है। अरे वो क्या लड़का देखेगी, अपनी साइज का कोई गेंडा देखा होगा। और मेरे जैसे खूबसूरत नौजवान, चांद को शर्माने वाला, सूरज को भड़काने वाले शहजादे पर किसी की नजर नहीं पड़ती। कोई बात नहीं, इस काले बंदर। अरे काला बंदर नहीं, मेरे बापू का नाम है बालचंदर। अरे बालचंदर, और चंपा कली मोटी भैंस को सर्कस में भर्ती नहीं करवाया तो मेरा नाम भी शंकर राव बेवड़े वाला नहीं। बेवड़े के बच्चे, दुकान बंद है बेवड़े। अरे मैं भी दुकान खोलता हूँ तेरी। बापू बापू नहीं, काला बंदर बापू। पूरे हिंदुस्तान में आपके जैसे खूबसूरत भाई बहन हिस्ट्री में नहीं मिल सकते। हिस्ट्री में क्या, साले ज्योग्राफी में नहीं मिल सकते। आपने मुझे बुलाया कैप्टन? हाँ अमर, आज हम तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम सौंप रहे हैं। बोलिए ना कैप्टन, मैं भी बोर हो चुका हूँ इन छोटे मोटे कामों से। एक काम करो, ये सूटकेस लेकर सिल्वर बीच चले जाना, वहां पर एक बोट आएगी, ये उन्हें दे देना और जो कुछ वो तुम्हें दें उसे लाकर हमें दे देना। अभी गया? लेकिन एक बात का ख्याल रखना, एक आदमी साये की तरह हमारे पीछे पड़ा हुआ है, उससे बचकर रहना। कौन कैप्टन?
उसका नाम है इंस्पेक्टर सुनील वर्मा। सुनील, अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। अरे आओ भाई आओ, तुमने तो बड़ी देर लगा दी। आज तो बाल बाल बच गए, नहीं तो जेल में होता। क्यों क्यों क्या? अरे अगर पुलिस की तेज रफ्तारी और चलाकी इसी तरह चलती रही तो जितने भी काले बाजार वाले हैं उनको बोरी बिस्तरा गोल करके यहाँ से भागना पड़ेगा। अरे भाई जिंदगी को दांव पर लगाए बगैर इतना मुनाफा कहाँ मिलता है। ओ, जानते हो उसमें क्या है? क्या है? बिस्किट। खाने के? सोने के। सोने के? हाँ, 10 लाख रुपए के, 5 लाख तुम्हारे हैं और 5 लाख मेरे। 5 लाख आपके, 5 लाख मेरे। लो, क्या कहा आना है? रीगल सिनेमा?
अच्छा मैं अभी आता हूँ। ओके सुनील थैंक्स। शाम चाय तो पीते जाओ। अभी नहीं, फिर किसी वक्त सही, मुझे बहुत जल्दी है। अच्छा पड़ोसी है, जब भी आता है जल्दी में होता है। इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है बेटा? ठीक है माँ। तो कर दो तेरी बात इससे पक्की। कर दे माँ। वैसे माँ मुझे कोई जल्दी नहीं है, वो क्या है कि तू घर में अकेली रहती है ना, इसलिए मुझे तुझ पर रहम आता है। बड़ा आया माँ पे रहम करने वाला। क्या बात। चेहरा तेरा अल्लाह अल्लाह, बातें तेरी माशा अल्लाह, बड़ी बड़ी आंखों वाली जादू किया तूने वल्ला। आए इधर तो आ, ओ मेरी जान गले लगा। चेहरा तेरा अल्लाह अल्लाह, बातें तेरी। इतनी देर क्यों लगा दी तूने? तो मैं क्या करूं, आपकी बीवी इतनी दूर निकल गई कि उनका पीछा करते करते पूरा एक घंटा लग गया। कुछ पता भी चला कि यूं ही चले आए हो? साहब मैं प्राइवेट जासूस हूँ, 20 साल से यही धंधा है अपना, आज तक खाली हाथ नहीं लौटा। आप अभी जाइए और अपनी बीबी को रंगे हाथों पकड़ लीजिए। कहाँ है वो? बताता हूँ, सब बताता हूँ। पहले मेरी फीस तो लाइए। ये लो। अब बताओ। आपकी बीबी उस आदमी के साथ है जो शहर के क्लबों का शहजादा, लड़कियों का दिल चुराने वाला, औरतों का दिल लुभाने वाला और बूढ़ियों को बेवकूफ बना के साफ निकल जाने वाला और तुम जैसे शोहरों को जलाने वाला। इस वक्त कहाँ है? गोल्डन पैलेस होटल में, कमरा नंबर 603। इस पिस्तौल में 6 गोलियां हैं, 3 उस बदमाश के सीने में और 3 उस कमजात औरत के सीने में। आर यू सीरियस? यस। तुम क्या समझते हो, ये पिस्तौल नहीं खिलौना है? अरे भाई मारना ही है तो अपनी बीवी को मारो। उस आदमी को मारोगे तो कल से कोई शोहर अपनी बीवी के लिए मुझसे जासूसी नहीं करवाएगा। मेरे पेट पे क्यों जान पारते, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? चुपचाप बैठे रहो वरना पहला खून मुझे तुम्हारा करना पड़ेगा। छापते भी बिठा जाएंगे। लेकिन लेकिन आप चीज क्या है? खामोश। पहले मेरी बीवी को बिस्तर से बाहर निकालो। बीवी? किसकी बीवी? मेरी बीवी। डार्लिंग, ये कैसा शोर है? कैसे घटिया होटल में लाए हो? यहाँ पर हम आराम से हनीमून भी नहीं मना सकते। कौन कौन हो तुम? एक शर्म नहीं आती किसी के कमरे में बगैर इजाजत के आते हुए? माफ करना बहन जी। ए बहनों की तेरी माँ, हाथ में पिस्तौल लेकर हमको डरा है? डार्लिंग देख क्या रहे हो, पुलिस को फोन करो ना। पुलिस? चलो मैं तो टेलीफोन। अरे फिकर नॉट बिंदास, अभी फोन करता हूँ। अरे भाई साहब पुलिस को फोन मत कीजिए, मैं तो आप ही की तरह शरीफ आदमी हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे उस जासूस के बच्चे ने कहा था कि तुम्हारी बीवी किसी गैर मर्द के साथ इस होटल के कमरे के अंदर है, इसलिए मैं चला आया। ये तेरी बीवी है? अरे नहीं साहब, ये तो आपकी बीवी है। अच्छा तो मैं चलूं? हाँ हाँ जा सकते हैं। ओके। ए शरीफ आदमी जी, बंदूक। हाँ अब मैं उस जासूस के बच्चे को जरूर देख लूंगा। आज आपने मेरी जान बचाई, इसके बदले में मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? शट अप। आप जैसी खूबसूरत लड़की जिंदगी में मैंने पहली बार देखी। आई से यू शट अप। वो गए? जी हाँ मेम साहब, वो गए और अब आप भी दफा हो जाएंगे, वरना अगर वो वापस आ गए तो आप दोनों को गोली मार के ढेर कर देंगे। आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शीला कल मुझे फोन जरूर करना, आई लव यू। आपको कोई शर्म वर्म नहीं है? ओ सॉरी मैं भूल गया था, आप अभी तक यही है। आई लव यू टू। अब बताइए कल मैं आपको कहाँ मिल सकता हूँ? जन्म में। नाम तो बताते जाइए। मेरा कोई नाम नहीं। नाम ही एड्रेस तो होगा।
कैप्टन, आपने हमें याद किया? आओ भाई आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आज हम तुम्हें एक बड़ी जबरदस्त शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं। ये हैं जानकीदास जी जौहरी, हमारे पुराने हमदर्द हैं, और वैसे महाराजा मोहनगढ़ के खानदानी जौहरी हैं। ये एक ऐसी शानदार खबर लाए हैं कि अगर सुनोगे तो तुम पागल हो जाओगे। हम तो इनकी शक्ल देखकर पागल हो गए। अजी बात यह है कि पिछले महीने महाराज ने अपने हीरे साफ करवाने के लिए मुझे बुलवाया था। हीरो को देखकर मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। इतने कीमती और शानदार हीरे, यानी तख्ते ताऊसी हीरे मैंने जिंदगी भर नहीं देखे। क्या कीमत होगी? अजी कीमत चोरी का माल समझकर भी आप उन्हें बेचे ना तो कम से कम आपको 80 लाख रुपए मिलेंगे। 80 लाख रुपए! जानकीदास ये खबर लाए हैं कि महाराजा अपनी सारी जायदाद बेच चुके हैं, अब वो हीरो को लंदन स्मगल करना चाहते हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। ये कीमती हीरे हिंदुस्तान की अमानत है। अगर ये महाराजा इन हीरों को स्मगल करके इंग्लैंड ले जा भी रहा है तो हम चोरी करके उन्हें वापस ले आएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का माल हिंदुस्तान में रहना चाहिए। That's the spirit. हाँ है तो वही, कुछ रोज पहले तो उसका पांव ठीक था, आज इतनी बड़ी पट्टी। यानी पांव पर पट्टी बांधकर पुलिस की आंखों में पट्टी बांधने की कोशिश कर रहा है, वरना 80 लाख के हीरे लंदन कैसे पहुंचेंगे? कम चलिए। वेलकम सर। अशोक फरमाइए, पढ़िए। वेरी मच नाइस। मेरे अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने नींद की गोलियां खाई है, उनको लंदन में जाके उठाइएगा। यस सर। थैंक यू। हेलो तरन, दिस इज ईगल फ्रॉम बॉम्बे, फ्लाइट नंबर 108 से अमर तरन में उतरा। नो, आर यू श्योर? थैंक यू, ओवर। भैया अमर तरन एयरपोर्ट पर भी नहीं उतरा। नहीं उतरा?
Yes. कमाल है, हमने तो समझा था कि शायद अमर ने अपना काम दिल्ली और बॉम्बे के बीच में कर लिया होगा। तेहरान के बाद दूसरा हॉल्ट कौन सा है? पेरिस, कैप्टन पेरिस। पेरिस अमर? अरे तुम, हम तो अभी तेहरान एयरपोर्ट से तुम्हारे मुतालिक बात कर रहे थे, मालूम हुआ तुम वहाँ उतरे ही नहीं। उतने का सवाल ही पैदा नहीं होता कैप्टन, क्योंकि हम वहाँ गए ही नहीं। मतलब? मतलब ये कि हम बम्बई में उतर गए, उसके बाद घर गए, दो घंटे आराम किया, उसके बाद आपके सामने पेश हो गए। जिस काम के लिए गए थे वो काम दिल्ली और बम्बई की उड़ान में ही हो गया। यू आर वंडरफुल माई बॉय, यू आर जस्ट ग्रेट। थैंक यू। लाओ। क्या? वही जिसको पाने की खुशी में हमारी रातों की नींद हराम हो गई। यू मीन डायमंड्स? हाँ हाँ। वो कहाँ है? क्या मतलब? मतलब ये कि उन्होंने जो भी खबर दी थी वो गलत थी। क्या बात करते हो, हम सच बोल रहे हैं। हमने महाराजा की तलाशी ली, हीरे कहीं पर भी नहीं थे। अमर बाबू ऐसा मजाक मत करो, जान की दांत की बात कभी गलत नहीं हो सकती। उल्लू के पट्टे, हम तुझे इस मजाक का ऐसा मजाक चखाएंगे कि तेरे खानदान में कोई जौहरी पैदा नहीं होगा। हरामजादे, हम झूठ बोलने वाले की जबान काट देते हैं। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन कैप्टन, कैप्टन होल्ड ऑन। ये शराब का ग्लास इतना कीमती है कि दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह भी इसे नहीं पी सकते। क्या मतलब? जानते हैं इसकी कीमत क्या है? क्या है? सिर्फ 80 लाख। 80 लाख? जी हाँ। चीज़ ओ अमर, 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 यू आर ग्रेट, यू आर वंडरफुल, वाह वाह वाह। मेरी बात सच निकली ना, मेरी तो जान ही निकल गई थी। लाओ भाई, जरा हम भी तो इसकी चमक देखें। एक मिनट कैप्टन, इसमें हमारा हिस्सा क्या होगा? तुम्हारा हिस्सा 50%, 40 लाख रुपए। क्यों, कुछ कम है क्या? नहीं कैप्टन, हम सोच रहे थे कल तक ईमानदारी से हम दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन लेकिन हमें 40 रुपए ना मिल सके कि हम अपनी मां का चश्मा खरीद सके। लेकिन आज, आज जरा सी बेईमानी का धंधा किया और 40 लाख रुपए कमा लिए। ये तो जानकीदास जोहरी है। हाँ। हीरे हमने खो दिए। खो दिए? क्या मतलब? मतलब यह कि मैंने इस आदमी को हीरे बेचने के लिए दिए थे और इसका खून हो गया। इसका मतलब यह है कि ये हीरे लूट लिए गए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, आपको कैसे पता चला कि इसका खून हो चुका और इसकी लाश यहाँ पड़ी? मुझे रघुनाथ का टेलीफोन आया था। रघुनाथ? हाँ। कौन रघुनाथ? मेरा एक बहुत पुराना दुश्मन है। उसने मुझसे कहा था कि आज के बाद जो काम भी तुम करोगे वो सब और सारा का सारा माल मैं छीन लूंगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि इसमें से तुम्हारा हिस्सा 40 लाख मारा गया। कैप्टन, अगर आपका साथ रहा और जिंदगी रही तो 40 करोड़ कमा लेंगे, ऐसी क्या बात है। दस दस करोड़। पुलिस आ गई, निकल चलेंगे। तुम एक काम करो, कल सुबह की फ्लाइट से सिंगापुर चले जाओ और इस गुड़िया को लेकर इसको पकड़ो और इस गुड़िया को लेकर चैंग को दे देना और उससे कहना कि ये सारे डायमंड बेचकर हमारा हिस्सा बैंक में जमा करवा दें। और जब इस मुल्क की आबोहवा हमारे लिए कुछ नाखुशगवार हो जाएगी तो हम लोग यहां से रफू चक्कर हो जाएंगे। अरे साहब, ये तो बड़ा जुल्म है, बच्ची का खिलौना तोड़ डाला आपने। आई एम सॉरी सर, आज स्पेशल चेकिंग हो रही है। हमें पता चला है कि कुछ लोग बच्चों के खिलौने में माल भरकर स्मगल करने वाले हैं। बच्चों के खिलौने में माल स्मगल हो रहे हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चरस, गांजा, हफीम, यहाँ तक के लोग हीरे जवाहरात बच्चों के खिलौने में भरकर स्मगल करते हैं। ताज्जुब है। आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? Yes. आपका प्लेन उड़ने वाला और आप तलाशी दिए बगैर कहाँ भागे जा रहे हैं? इंस्पेक्टर, ये मेरी मर्जी है, मैं इस प्लेन से नहीं जाना चाहता। हमें आप पे शक है, आपको तलाशी देनी होगी।
बेशक लीजिए, लेकिन जरा जल्दी कीजिए, क्योंकि मैं जिस टैक्सी में आया था उसमें 10,000 रुपए और कुछ जरूरी कागज रह गए। मुझे आपका बैग देखना है। अब जल्दी कीजिए वरना और टैक्सी वाला चला जाएगा। ओके ओके, आई एम सॉरी, कैरी ऑन। ला बेटे गुड़िया दे। मेरी गुड़िया है, मैं नहीं दूंगी। अरे मैंने दी थी तुम्हें। तो क्यों दी थी, अब मेरी हो गई है, मैं नहीं दूंगी। देती कैसे नहीं, जबरदस्ती करोगे तो पुलिस को। ना बेटे ना, पुलिस को नहीं बुलाते। मैं अगर तुम्हें इससे अच्छी गुड़िया दूं तो चलेगा? पहले लाओ। अच्छा अभी लाता हूँ, लेकिन तुम यहाँ से जाना मत। शाबाश। आओ बेटी, ये लीजिए। अरे साहब अपने छुट्टा देते जाइए। और फिर उसके बाद मैंने बंबई का कोना कोना छान मारा, लेकिन उस बच्ची का कुछ पता नहीं चला। मुझे किसी भी हालत में वो हीरे चाहिए। उनके लिए मैंने अमर को धोखा दिया, जान की दाद जौहरी का खून किया। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपने भाई का खून करना पड़े। मुझे थोड़ी मोहलत और दो। गेट आउट। अस्सी मेरे भी। एक मेरी भी आई, दिखाई नहीं दी। मैं आपको देखे जाऊंगा। 9,000 मेरे पत्ते आपके पत्तों को जीत रहे। 9,000 मुझे मौका दीजिए प्लीज प्लीज। आपके पास पैसे नहीं है इसलिए हम शो कराएंगे। 3 महीने। माल निकालिए। इस वक्त मेरे पास नहीं है, कल दोपहर तक मेरा एक काम होने वाला है, शाम तक मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। हमारे पैसे लेके जाने वाला अपनी मौत को दावत देता है। कहाँ रहते हैं आप? होटल गोल्डन पैलेस, रूम नंबर 13। क्या नाम है आपका? सैमुअल एंटोनियो। अकेले रहते हैं या साथ में और कोई भी है? जी हाँ, मेरी बेटी भी मेरे साथ रहे। तो ठीक है, जब तक आप हमारे पैसे नहीं लौटाते आपकी बेटी जमानत के तौर पे होटल पे रहेगी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, होटल गोल्डन पैलेस। गोपाल, सैमुअल एंटोनियो नाम का कोई आदमी तुम्हारे होटल में रूम नंबर 30 में रहता? जी एक मिनट। हेलो, जी हाँ मालिक। साथ में उसकी लड़की भी? जी रहती है, लेकिन क्यों? सुनो, इस आदमी ने हमारे 4,00,000 से ज्यादा रुपए देने हैं। जब तक वो रुपए नहीं मिल जाते तब तक ये लड़की अमानत की तौर पर तुम्हारे होटल में गिरवी रहेगी। सरकार उठिए, रात के 10 बज गए हैं, आपकी सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कितनी बार आपसे कहा है कुछ तो पहन के सोया कीजिए प्लीज। मेरा नाश्ता तैयार है हुजूर। इंग्लिश विस्की, बंबई की म्युनिसिपैलिटी का पानी और कश्मीर का गुलाब। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। हेलो अमर साहब, मैं गोपाल बोल रहा हूँ जी। अबे उल्लू के पट्टे, तू अच्छी तरह जानता है कि शराब का एक घूंट हलक में उतरने के बाद हम किसी मर्द की आवाज सुनना पसंद नहीं करते। टेलीफोन बंद करो। जी मैं जानता हूँ, लेकिन आप कहें तो मैं लड़की की आवाज में बोलूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है जी। व्हाट? जी हाँ, मर गया। इसकी खबर उस लड़की को है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उस लड़की पर नजर रखी जाए, हम अभी आ रहे हैं। वो आए हमारे होटल में, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी उनकी बोतल को देखते हैं। हुजूर ये फूल मूल ये सब। कौन से कमरे में? कौन हुजूर? तुम्हारी चाची। उसको मेरे 15 साल हो गए। अबे गधे, सैमुअल की बेटी की बात कर। हाँ वो अपने कमरे में है, कमरे नंबर 30। लेकिन हुजूर ये। और उसके साथ कोई है? जी बिल्कुल अकेली है, लेकिन ये। जब तक हम वहाँ हैं दूसरा कोई नहीं आएगा,
जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं आएगा, फरिश्ते नहीं आ सकते, आदमी का क्या काम। लेकिन हुजूर ये बोतल। शराब। जी आप शराब इडियट। कैसे कैसे आदमी चले आते हैं। ओहो सर। यस अंकल, आपको कौन चाहिए? मैं शायद गलत कमरे में आ गया, मुझे रूम नंबर 30 चाहिए था, सॉरी। ये रूम नंबर 30 है? हाँ। ओ यस, सैमुअल एंटोनियो। वो मेरे पापा है, बाहर गए हैं। हाँ जरा अपनी बड़ी बहन को बुलाइए। बड़ी बहन? मेरी तो कोई बड़ी बहन नहीं है, मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ। What? अरे अंकल आपकी बोतल गिर गई। हाँ? क्या हो गया अंकल आपको? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे अंकल, गुड नाइट सर, गुड नाइट। चुप एक फूल, कमीने इडियट, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो एक छोटी सी बच्ची है? आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। इस बच्ची का कोई है? जी नहीं, पुलिस की छानबीन के मुताबिक एक बाप था, वो मर गया। जब तक इस होटल में रहेगी उसका खर्चा हम देंगे। जी बहुत अच्छा, उसके बाद का किराया क्रम कल 11 बजे। बाबा मत जा बाबा, मुझे छोड़ के मत जा बाबा, तुम्हारे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं पापा, कौन मुझे अपने सीने से चिमटा कर सुलाएगा पापा। पापा तुमको पिंकी के बगैर नींद आएगी पापा। लो पापा, मैं अपनी गुड़िया दे देती हूँ। तुम यहाँ? मैं और कहाँ जाऊँ अंकल? तुम्हारे पापा के अलावा और कोई नहीं है? कोई भी नहीं। माँ? नहीं है। भाई बहन? कोई भी नहीं, मैं दुनिया में एकदम अकेली हूँ। कहाँ पढ़ती थी? बैंगलोर में हॉस्टल में रहती थी, आपकी मैडम मुझे बहुत मारती थी, इसलिए पापा बॉम्बे ले आए, होटल में रखा और कुछ चले गए। हाँ पापा ये चिट्ठी छोड़ गए, देखिए किसी नाम की, अगर आप मुझे इनके पास छोड़ देंगे तो लोग मुझे जरूर रख लेंगे। मिस्टर अमर गुप्ता, मैंने आपसे झूठ बोला था कि मेरा एक काम होने वाला है, लेकिन एक प्रोफेशनल जुआरी का जुए के अलावा और क्या कारोबार हो सकता है? इस जुए ने मुझे लोगों का इतना कर्जदार बना दिया है कि सिवाय खुदकुशी के मेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं। मैं आपका कर्ज अदा करने की बजाय एक तकलीफ दे रहा हूँ, इस दुनिया में एक बेटी के अलावा मेरा कोई नहीं था, अब मेरे जाने के बाद इस बच्ची का दुनिया में कोई नहीं। एक मरने वाले की दुआ हमेशा आपका साया बनी रहेगी। इस बच्ची को आपके हवाले कर रहा हूँ, आप इस पर तरस खाकर किसी यतीम खाने में भर्ती करा दीजिएगा, मेरी रूह को शांति मिलेगी। सैमुअल एंटोनियो। आप फिक्र मत कीजिए, हमारे यहाँ बच्चों की देखभाल, उनकी पढ़ाई का पूरा ख्याल रखा जाता है। आपने साल भर की फीस भर दी है, उसकी रिपोर्ट हर महीना आपको भेज दिया करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल ये हॉस्टल है? हाँ बेटा ये हॉस्टल है, आश्रम भी, और यहाँ के बच्चों को बहुत प्यार से रखा जाता है। नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं रहूंगी, ये लोग मुझे मारेंगे। नहीं बेटा यहाँ कोई किसी को नहीं मारता। नहीं नहीं बैंगलोर में भी ऐसे ही कहते थे, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। पिंकी, पिंकी, पिंकी। पापा मुझे भी साथ ले चलिए, मैं आश्रम नहीं जाऊंगी, वो लोग मुझे मार डालेंगे जैसे बैंगलोर में मारते थे। पापा मुझे भी साथ ले चलिए, मैं आश्रम नहीं जाऊंगी। नहीं 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 मुझे आश्रम मत ले चलिए, मैं पापा के पास रहूंगी, मैं पापा के पास रहूंगी। नहीं बेटा हम तुम्हें आश्रम नहीं लेके जाएंगे, हम तुम्हें अपने घर लेके जाएंगे, चलोगी? हाँ चलूंगी, बाजार के आपको सब काम करूंगी, सर दबाऊंगी, पैर दबाऊंगी, बर्तन मांजूंगी। बेटा नहीं, हम तुमसे कोई काम नहीं कराएंगे, हम तुम्हें बड़े प्यार से रखेंगे, अपनी बेटी की तरह रखेंगे। चलो गॉड, मेरी डैडी से कहना कि मेरी फिक्र ना करें, मुझे बहुत अच्छे अंकल मिल गए, मुझे बहुत प्यार करते हैं जैसे आप किया करते थे। गॉड मेरे अंकल को हमेशा सुखी रखना। आमीन।
अंकल उठिए सो जाइए। सो जाइए अंकल। है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, पहले दूल्हे का चोकटा तो देख लें। ओए होए 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 होए, हमने तो सुना था कि इंस्पेक्टर है, लेकिन शक्ल से हवलदार लगता है। अरे जा जा, तू अपनी शक्ल देख, काली कलूटी बैंगन लूटी। अरे जाओ जाओ, मैं तो लाखों में एक हूँ। तो ये करोड़ों में एक है। बाय द वे, मेरे बारे में आपके क्या ख्याल है? तुम जैसे तो मेरी गली में चक्कर काटते हैं। अरे गली के चक्कर छोड़िए, हम जिसे पसंद कर लेते हैं उसे भगा के ले जाते हैं। ओहो, तो तुम्हारे बाजुओं में इतना दम है? अरे बाजुओं की दम की क्या बात है, आप हाँ करिए, पलकों पे बिठा के ले जाएंगे आपको। अरे जाओ जाओ, मुंह धो के आओ, हाय पड़े पलकों पे हैं। बिठा दे, हो जाए हो जाए। गए हम दिलदार तेरी गली में, दिलबर यार नखरे छड़ हो जा तैयार, गाड़ी छूट जाएगी। अरे आ गए हम दिलदार तेरी गली में, दिलबर यार नखरे छड़ हो जा तैयार, गाड़ी छूट जाएगी। नसीबों वाली है तू, लगी है हमको प्यारी। बड़े नसीबों वाली है तू, लगी है हमको प्यारी। हम चल दिए तो रह जाएगी सारी उम्र कुमारी। मत मार झगड़ा मत कर, बीच बाजार नखरे छड़ हो जा तैयार, गड्डी छूट जाएगी। मैं नहीं जाना तेरे साथ, ले जा वापस ये बारात, फिर मत करना ऐसी बात, यारी टूट जाएगी। मुझे
मुझे कई खत लिखे तूने घर वालों से चोरी, मुझे कई खत लिखे तूने घर वालों से चोरी, चुपके से मेरे हाथों में दे दे हाथों गोरी, मांग न मेरा हाथ मैं ना दूं तुझको खैरात, फिर मत करना ऐसी बात यारी गए हम दिलदार तेरी गली में दिलबर यार, नखरे छड़ हो जा तैयार गाड़ी अरे छूट जाएगी। अमर अमर अरे श्याम तू अब आ रहा है? हाँ बहन जी, मैं किसी काम से कहीं फंस गया था इसलिए मैंने अपनी बीवी को पहले भेज दिया। अच्छा अच्छा चल। हाँ हाँ ठीक है। चल क्या बात है शंकर? कैप्टन ने तुमको बुलाया है। लेकिन यार हमारे दोस्त की शादी हो रही है। शादी तो हो ही रही है मगर कैप्टन के पास जाना बहुत जरूरी है, तुमको चलना ही पड़ेगा। चल 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 भाई। अरे इतना लंबा घूंघट, हमने तो सुना है कि हमारे दोस्त के होने वाली बीवी चांद का टुकड़ा है, हम भी तो देखें। भाई साहब आंखें चुंधिया जाएंगी, ये देखिए चुंधिया गई ना आंखें। मैं सच कह रहा हूँ, ऐसे नाजुक मौके पर कोई झूठ बोलने की हिम्मत कर सकता है? ये वही लड़की है। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ, ये लड़की मेरी बहू बनने के काबिल नहीं है। माँ ये सब क्या हो रहा है, ये शादी क्यों नहीं हो सकती है? इस लड़की के चाल चलन ठीक नहीं है, ये खराब कैरेक्टर की लड़की है। श्रीमान आप अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए। मैं पूछता हूँ आपके पास सबूत क्या है इस बात का? सबूत अपनी बहन से पूछिए, कुछ दिन पहले होटल गोल्डन पैलेस में। ठहरिए, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम झूठ नहीं बोलोगी। बताओ ये आदमी सच कह रहा है या झूठ? मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। कमरे में थी। शीतल मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मैं सच कह रही हूँ भैया, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया भैया। हाँ मैं उस लड़की के कमरे में गई थी, लेकिन वो तो सिर्फ इस औरत की जान बचाने के लिए। नीच कमीनी, अपना पाप मेरे सर पे डाल रही है। मेरे पति ने तेरे पोल खोल गए तो तू उल्टा मुझे बदनाम करने पर उतर आई है, बेशरम। माँ चलो यहाँ से। देखिए मुझे आप ऐसे बेइज्जत करके मत जाइए, मत जाइए। चलो भाई चलो। अरे बात तो सुनिए भाई, भाई की बात सुनिए, आगे छोड़ो। बहन जी रुको जी, रुकिए तो। ओहो क्या इज्जत रह गई हमारी। आज तेरी वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, जहाँ जाएंगे लोग थूकेंगे हमारे मुंह। बेशरम ये सब करने से पहले तुझे मौत सुनाई तो मर क्यों रह गई? क्या इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था? तेरे नाक लग रहे उठा दे, जा चले जा इस घर से। कौन है भाई? दुल्हन बहन जी, शादी नीचे पांचवें माले पे है, आप गलत घर में आ गई, नीचे जाइए, नीचे 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 नीचे। मधु तुम? ओहो मैंने तुमको बहन कह दिया, ये क्या नाटक है? बाबू मेरी शादी जगन जुआरी के साथ करा रहे थे, मैं मंडप छोड़कर भाग कर आई हूँ। और अगर वो काला बंदर तुम्हारा बाप तुमको ढूंढता ढूंढता इधर आ गया और मेरी पिटाई कर दी तो? नहीं आएंगे, मैं बापू को चिट्ठी लिख कर आई हूँ कि मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ। खुदकुशी? ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। खुदकुशी करो कुछ भी करो, इस घर से बाहर जाओ मेरी माँ। क्यों? आखिर बात क्या है बोलेगी भी? अरे नशे में आकर मेरा साहब लड़की पर ऐसा झपाटा मारता है जैसे चील गोश्त की बोटी पर। ये पर्दा देख रही है ना? हाँ। एक दिन नशे में इसको लड़की की साड़ी समझकर 2 घंटे तक इसके साथ रंबा संबा करता रहा, इसलिए मैं डर के मारे रात को लुंगी नहीं पहनता। लेकिन लेकिन फिर मेरा क्या होगा? आइडिया,
तेरे को लड़का बनना होगा। लड़का? कौन है? मैं हूँ अंकल पिंकी। तुम मेरे बाथरूम में क्या कर रहे हो? मैं अपनी गुड़िया को निला रही हूँ। चलो बाहर निकलो। अच्छा बाबा निकलती हूँ। अंकल आप तो नहाने भी नहीं देते। नहाने? ओहो ये क्या तुमने बाथरूम की हालत बना रखी है। अंकल गिर गए, अंकल गिर गए, अंकल गिर गए, अंकल गिर गए। अंकल आप इसमें कितने टेढ़े वेढ़े लग रहे हैं। चश्मा उतारो। मैं कहता हूँ ये चश्मा उतारो। खबरदार, खबरदार जो फिर कभी तूने मेरी माँ के चश्मे को हाथ लगाया। शंकर जी, इस घर में क्या हो रहा? क्या हुआ, क्या हुआ? ये मेरी माँ का चश्मा पहन रही थी। ओ, नहीं बेबी, बुरी बात है, फिर कभी इस चश्मे को हाथ मत लगाना। हा? चलो सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। सॉरी कैसी की तैसी, जाके देखो बाथरूम का क्या हाल हुआ है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं एक मिनट में ठीक कर देता हूँ, एक मिनट। अरे बाप रे, ओहो हो हो, ये तो सब हेलो शंकर, शंकर आया जी। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है इस घर में? ये घर है या कबाड़ी की दुकान है? ओ ये सब इस बेबी ने किया होगा। क्यों बेबी, तुम हमको डांट बढ़वा दिया, तुमको समझ में नहीं आता कुछ? इसे ले जाओ यहाँ से, नहीं तो पिट जाएगी हमसे। अरे मोहन आया जी, ले जाओ उसको, ले जाओ। चलो बेबी चलो। अब ये कौन है? मोहन मेरे बड़े भाई की साली। साली मेरा मतलब साला, आज सुबह ही गाँव से आया। मैंने कहा अपने हाथ के नीचे रख लेता हूँ, आपसे पूछ के इसको यही रख लूंगा। क्यों जी? हाँ रख लो। चलो भागो भागो। हाँ सुनो, सुनो कुछ गड़बड़ है। क्या 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 क्या? ये लड़का कुछ लड़कियों जैसे नहीं लगता। हाँ हाँ, तो इससे लड़कियों के जैसा काम ले लेंगे। मेरा मतलब खाना बनाना, कपड़े धोना, बेबी की रखवाली करना। नहीं नहीं सुनो, बेबी की रखवाली अब नहीं होगी। बेबी अब इस घर में नहीं रहेगी, कल सुबह कहीं जाओ और इसे छोड़ो। छोड़ो? कहाँ? जू में बहुत बड़ी नुमाइश है, वहाँ पे बहुत भीड़ भड़ाका होता है, उस भीड़ में इसे छोड़ो और देखो कुछ पैसे इसके खीसे में डाल देना। बेबी इस घर में नहीं रहेगी। ओहो, इसमें सोचने की क्या बात है। नहीं नहीं ठीक है, मैं छोड़ के आ जाऊंगा। मेरा ले बताएंगे वाले, ये 10 रुपए लो और बेबी को 10 राउंड घुमा कर लाओ। थैंक यू शंकर भैया, मैं यहीं पर हूँ, फिक्र मत करना। अच्छा बाय बाय, जरा संभाल के ले जाना। हाँ पूरा घुमा कर आना, पूरा पूरा। चलो भागो भागो भागो, तेज 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 चल। बड़े जालिम हो तुम, इतने से बच्चे को अकेला छोड़ दिया, बहुत पाप लगेगा तुमको। अरे फिक्र मत कर, रुपयों के साथ साथ मैंने उसकी जेब में घर का एड्रेस भी रख दिया है। सच? हाँ, ताकि भगवान का कोई नेक बंदा मेरी तरह वो घर का एड्रेस पढ़ के उसको घर पहुंचा देगा और तब तक अमर का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। हाँ। बोल, मानती है आदमी अच्छा हूँ कि नहीं? शंकर भैया, 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 क्या बात है बेबी, रो क्यों रही है? शंकर भैया मुझे ना जाने चढ़ के कहाँ चले गए। कौन शंकर भैया? मेरे अंकल क्या काम करते? ये क्या? अरे अमर गुप्ता, इबन हॉल, दसवां माला, दिल्ली से, ये तो एड्रेस है। मेरे अंकल का यही नाम है और यही पता है। अच्छा अंकल, अंकल बेबी सो जा, गुड नाइट। अरे ये तो वही है बेबी, ये तेरे अंकल अमर है। हाँ मिस्टर अमर, मिस्टर अमर प्लीज उठिए, देखिए मैं आप ही को ढूंढ रही हूँ, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, आपकी वजह से मुझे घर से निकाल दिया गया है, प्लीज उठिए, मैंने एक बार आपकी जान बचाई थी, याद है? मुझे आपकी मदद की। सब याद है, एक दिन हम भी आपकी जान बचाएंगे, आप सो जाओ। गुड नाइट। बहन जी इस वक्त इनसे बात करना बेकार है, आप इनसे सुबह बात कीजिएगा। आइए मेरे साथ आइए, अपनी राम कहानी मुझे सुनाइए। चलिए आओ, आ बेटा चल चलो। आइए बहन जी, बेकार बेकार है, इस वक्त नहीं सुनेगा।
कौन है? अंकल, सुबह हो गई, उठिए। आए, सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है? लाइए मैं दबाती हूँ। अंकल, वो शंकर है ना, बहुत खराब है, उसको निकाल दो। क्यों? कल मुझे नुमाइश में अकेला छोड़कर आ गया, वो तो अच्छा हुआ दीदी मिल गई। अंकल, अगर मैं सचमुच खो जाती तो? अंकल, आप रोते ना? अंकल, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद मैं आपको कभी नहीं सताऊंगी, आपके माँ के चश्मे को हाथ लगाऊंगी, आपके बाथरूम में नहीं जाऊंगी, आपके रिकॉर्ड को हाथ लगाऊंगी, लेकिन अंकल प्लीज मुझे यही रहने दीजिए, आपके लिए रोज सुबह चाय लाऊंगी, आपका सर दबाऊंगी, आपके पाँव दबाऊंगी, लेकिन अंकल प्लीज मुझे यही रहने दीजिए ना अंकल। नहीं बेटा, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं जाने देंगे, आप यहीं पर रहेंगी। सच अंकल? थैंक यू अंकल। अंकल उठिए, लुंगी कुर्ता पहन लीजिए, मुंह हाथ धो लीजिए। अच्छा, मेरी माँ? हमें अफसोस है कि हमारी वजह से जिन लोगों के दिलों में आपके लिए गलतफहमी हुई, उसे हम जरूर दूर करेंगे। क्या नाम है उनका जिनसे आपकी शादी हो रही थी? सुनील वर्मा। सुनील वर्मा, काम क्या करते हैं? पुलिस इंस्पेक्टर है। पुलिस इंस्पेक्टर? सुनील इंस्पेक्टर, आप उन्हें पहचानते हैं? पहचानते, वो हमारे बचपन का दोस्त है। ये समझ लीजिए कि आपकी शादी पक्की। लोग कमाल है, अभी फोन करता हूँ। हेलो, मैं स्पीक टू सुनील वर्मा प्लीज। जी, केस की इंक्वायरी के लिए नागपुर गए हैं, 10 दिन में आएंगे। कह दीजिएगा अमर का फोन था। सॉरी मैडम, आपको 10 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप चाहें इस घर को अपना ही घर समझ सकती हैं। जी नहीं, अगर आपको कोई इतराज ना हो तो मेरा इंतजाम किसी होटल में करवा दीजिए। ओके, एज यू प्लीज। शंकर! हाँ जी। सुनो, हाँ, वो मैडम का किसी होटल में रहने का इंतजाम करवा दो, और जब तक ये वहां रहेंगी हमारी मेहमान बनकर रहेंगी। जी, थैंक यू। मेन साहब, अगर आप इसी घर में रह जाएं तो क्या एतराज है? जी नहीं, मैं ऐसे गंदे माहौल में नहीं रहना चाहती। जी, आप तैयार हो जाइए, मैं टैक्सी लेकर आता हूं। ठीक है, टैक्सी वाले तुम जाओ भाई। देख रही है मेम साहब, ये हॉस्पिटल है, पढ़ लीजिए। लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लाए? यहाँ पर आंखों का इलाज होता है, सोचा आपकी आंखों पर जो पर्दा चढ़ा हुआ है वो भी दूर हो जाए तो अच्छा। क्या मतलब? बताता हूँ, ये हॉस्पिटल सरोजनी देवी के बेटे ने अपनी माँ की याद में बनवाया था। जो लोग अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं, जिनके पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं, उनका यह मुफ्त इलाज होता है। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि जब आप उस आदमी का नाम सुनेंगे जिसने हॉस्पिटल बनवाया है तो आप हैरान हो जाएंगे। क्या नाम है? नेम साहब, उस आदमी का नाम है अमर। देखिए साहब, मजाक बंद कीजिए और जल्दी से मुझे होटल ले चलिए। आपने अमर की जिंदगी का एक ही रूप देखा है, आप उसके दूसरे रूप के बारे में कुछ नहीं जानते। अमर भी बहुत ही शरीफ आदमी था, माँ के गम ने अमर को पागल बना दिया, उसके अंदर का इंसान जलकर राख हो गया, उल्टा सीधा जिस तरह भी हो सका उसने बहुत दौलत कमाई, लेकिन अपनी माँ को नहीं भूल सका। अपनी माँ की याद को ताजा रखने के लिए उसने अंधों के लिए एक स्कूल खोला और ये हॉस्पिटल, ताकि कल किसी गरीब बेटे की अंधी माँ उस तरह तड़प तड़प कर नहीं मर सके जिस तरह खुद उसकी माँ मरी थी। लेकिन वो मेरी गलतफहमी थी शंकर, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। अच्छा मेम साहब, कौन से होटल चलना है? ये मेम साहब क्या लगा रखा है? जी, वो आपका नाम लेते हुए कुछ अजीब सा लगता है, क्या बोलूं पता नहीं। दीदी का हो? दीदी? अच्छा, अच्छा दीदी, कौन से होटल चलना है? होटल नहीं जाना, हम तो सरोजनी देवी के बेटे के घर चलेंगे। सच? तो चलिए आइए। दीदी! आ रही हूँ। मर गए। क्या हुआ शंकर भैया? अभी साहब का फोन आया, एक नई बुलबुल आने वाली और मुझे उनका स्वागत करने का हुक्म मिला। उनको ये नहीं मालूम कि आप होटल नहीं गई, घर पे वापस आ गई हैं। अब क्या होगा? नाम क्या है उसका? थैली। थैली? शैली, 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 शैली। दीदी, बेबी, फिकर नॉट, बिंदास, मिलाहत। आइए आइए, तशरीफ लाइए आंटी। आंटी, सॉरी, शायद मैं गलत जगह पे आ गई। नहीं नहीं, आप सही जगह पर आई हैं। डैडी ने कहा है कि उनकी बहन आने वाली है। बहन?
जी हाँ, आपका नाम शैली है ना? हाँ, लेकिन मैं तो अमर के घर आई थी। वो तो मेरे डैडी है। मम्मी मम्मी, क्या है बेटे? देखो आंटी आई है। अरे तू आ गई, बहुत अच्छा किया। इतने बड़े घर में अकेले मेरा दम घुटने लगा था। तेरी सूरत तो देखो, वाह वाह, चांद का टुकड़ा है मेरी ननंद। ननंद? मम्मी, आंटी की शक्ल बिल्कुल डैडी की तरह लगती है कि नहीं? क्यों ना लगे, आखिर तेरे डैडी की बहन ही तो है। बहन? हाँ। किसकी बहन? क्या बकते हो तुम लोग, मैं चलती हूँ। अरे ननंद, अरे कहाँ जा रही है बड़ी मालकिन? पाए लागी, अरे कुछ जलपान तो करके आइए। बैठिए बैठिए बैठिए, अरे बैठिए 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 बैठिए, आइए आइए बैठिए 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 बैठिए। ये क्या लड़की, क्या करती है तू? हां मेरी बैठिए बैठिए, अरे मेरी बात, ओहो, अरे बैठिए, उसमें खटमल नहीं है, बैठिए बैठिए। क्या बात कर रही, कुछ ठंडा तो पी के जाइए ना। शरबत शरबत अरे क्या करूं मैम साहब, म्यूनसिपैलिटी का बिल नहीं भरा था ना, तो नल काट कर चले गए, इसने समंदर से पानी लाकर इसमें डाला है। शरबत तो पी के जाइए, मगर शरबत तो पी के जाइए, मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ मेरी बात। ओह हेलो डार्लिंग, हेलो। 420 घर में बीवी बच्चे हैं और इश्क मुझसे करते हो? डार्लिंग डार्लिंग लिसन डार्लिंग सैली, घर में बीवी बच्चे? आई सी। डैडी, डोंट डैडी मी। तो तुम लोगों ने मिलकर उस लड़की की बेइज्जती करके उसे यहाँ से भगा दिया? हाँ, लेकिन अंकल वो तो गंदी लड़की थी, मैंने और दीदी ने मिलकर उसे भगा दिया। ये मैडम तो होटल में रहने वाली थी, ये इस घर में कैसे है? वो आपकी मेहमान नवाजी की इंसल्ट ही। शट अप। शंकर भैया ठीक कह रहे हैं, आप इतने बुरे नहीं जितने आप दिखाई देते हैं। वैसे आपकी बुराइयों का अगर इलाज किया तो आप हमारी बुराइयों का इलाज करने आई हैं इस घर में? हाँ जी हाँ। आई सी आई सी, तो एक बात याद रखिए, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं और अपने जी में जो चाहते हैं वही करेंगे। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ हमें टोकने के लिए, समझी? आपका हमारा सिर्फ इतना ही रिश्ता है कि सुनील से शादी करवाना और आपका घर बसाना, बस। तब तक अगर आप किसी होटल में रहें तो बेहतर होगा। अंकल अगर दीदी को निकालोगे तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। जाओ जाओ, हमारा पीछा छोड़ो। रात ज्यादा हो चुकी है, सुबह होते ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। जो जी में आई डू इट। साहब दीदी ने खाना अपने हाथ से बनाया, लगा दूं? शट अप। शंकर शंकर, तेरी चाय क्यों नहीं लाई, तू कहाँ गया था? आप चाय की बात कर रहे हैं साहब, बेबी और दीदी चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? खुदकुशी करने, रेलवे लाइन की तरफ। क्या बकता है? मैं सच कह रहा हूँ साहब, कल शाम को जब से आपने उनको डांटा दोनों रात भर रोती रही और बोली हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, हम जा रहे हैं रेलवे लाइन की तरफ मरने के लिए। लेकिन लेकिन तूने उनको रोका क्यों नहीं? अरे नहीं साहब, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की मगर वो रुकी नहीं। आप ही कुछ कीजिए, पूना की तरफ गाड़ी लेकर जाइए, शायद रास्ते में मिल जाए। साहब कुछ कीजिए साहब, जल्दी कीजिए साहब, जल्दी कीजिए साहब, जल्दी कीजिए। बेबी, ओ बेबी, अरे बेबी, अरे अरे कम ऑन फास्ट बेबी। दीदी कहां जा रही है? अंकल आ गए, अंकल आ गए। अरे जरा फास्ट चलो मिस्टर, कम ऑन प्लीज प्लीज। अरे अरे बेबी रुक जाओ। अरे बेबी कहां जा रही हैं आप? अरे कम ऑन फास्टर यार। बेबी कहाँ जा रहे हैं आप? मैं दीदी के साथ जा रही हूँ। आप अच्छे अंकल नहीं, खराब अंकल है, हम लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। हम लोग? अरे हम तो तुम्हें लेने आए। अरे देखो ना, तुम हमारी छोटी सी जान हो, हम तुम्हें मनाने आए हैं। इसको जा जाना जाने दो, तुम चलो घर। नहीं मैं दीदी के साथ जाऊंगी। चलो बेबी। देखिए मिस शीतल, आपको जहन्नम में जाना चाहिए लेकिन ये लड़की आपके साथ नहीं जाएगी। मिस्टर अमर, मैं इसे जबरदस्ती नहीं ले जा रही, ये अपने आप मेरे साथ आ रही है, इसे पूछ लीजिए। ऐसे गंदे माहौल में रहने से तो मर जाना बेहतर है। देखिए मिस शीतल, हमें तुम्हारे लेक्चर सुनने की आदत नहीं है। देखो बेबी, तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें उड़ने वाला हवाई जहाज लेके देंगे। मुझे हवाई जहाज से बहुत डर लगता है। तो ठीक है, हम तुम्हें चाबी वाली मोटर लेकर देंगे। मुझे पैदल चलने को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा कोई बात नहीं, हम तुम्हें बड़ी बड़ी मीठी मीठी चॉकलेट लेके देंगे। चॉकलेट खाने से बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं। ये सब कुछ आपको किसने सिखाया? किसने भी सिखाया, आपको इससे मतलब? चलो बेबी। देखो बेटा बेटा, मत जाओ, रुक जाओ।
बेबी घर चलो। बेबी घर चलो, घर तुम बिन है सोना। ए बेबी घर चलो, घर तुम बिन है सोना। अरे हमसे देखो बात न करना, हमको तुम ना छूना। घर तुम बिन है सोना। बेबी घर चलो, घर तुम बिन है सोना। हमसे देखो बात न करना, हमको तुम ना छूना। घर तुम बिन है छूना। अच्छा ये तो बोलो, घर छोड़ के कहाँ जाओगी? भोली रानी मेरा दिल तोड़ के कहाँ जाओगी? बोलो बोलो, अरे सोचो ना। अच्छा ये तो बोलो, घर छोड़ के कहाँ जाओगी? भोली रानी मेरा दिल तोड़ के कहाँ जाओगी? अरे रे 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 रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो सोचो। हाँ, छोड़ के बंबई शहर को मैं चली जाऊंगी पूना। घर तुम बिन है सोना। बेबी घर चलो, घर तुम बिन है सोना। घर में कैसे प्यारे सुंदर खिलौने हैं, रेशमी बिस्तर मीठी नींद सपने सलोने हैं। क्या मजा आएगा ना। घर में कैसे प्याले प्याले सुंदर खिलौने हैं, रेशमी बिस्तर मीठी नींद सपने सलोने हैं। अंकल मस्ता मारे हो क्या, फिर भी हम नहीं जाएंगे। क्यों क्यों? घर तुम बिन है सोना। बेबी घर चलो, घर तुम बिन है सोना। जैसा घर होता है चलो वैसा घर बनाएंगे, गंदी चीजें फेंक के बाहर अच्छी चीजें लाएंगे। समझी ना बिटिया। जैसा घर होता है चलो वैसा घर बनाएंगे, गंदी चीजें फेंक के बाहर अच्छी चीजें लाएंगे। हाँ पर एक शर्त है। वो क्या? दीदी अपने साथ चले तो मजा आए। ओए बेबी घर चलो, घर तुम बिन है सोना। ओए बेबी घर चलो, घर तुम बिन है सोना। ओ घर तुम बिन है सोना। ओ घर तुम बिन है सोना। और हकीकत यह है प्यारे, शीतल जैसी लड़की इस दुनिया में बड़ी किस्मत वालों को मिलती है। जिस घर में जाए उसकी तकदीर बदल डाले। तू बड़ा बदकिस्मत है, तेरी शादी उससे टूट गई। छोड़ यार, तू क्यों जल्दी में तेल छिड़क रहा है? एक तुम्हें सोच सोच के मुझे शर्म आ रही है कि उसके सामने कैसे जाऊंगा, क्या क्या कहूंगा उसे, उससे माफी कैसे मांगूंगा। अमर एक काम करेगा तू, कल शाम को मैं अपने क्लब में छोटी सी पार्टी रखता हूँ, तो किसी भी तरह शीतल को वहां ले आना यार। तेरे यहाँ मैं क्यों? तू लेकर तो आना यार, मैं माँ को पहले से सब कुछ बता दूंगा और मौका मिलते ही शीतल से माफी मांग लूंगा। लाएगा ना? अरे हाँ, तेरी अमानत है, तेरे पास नहीं लाऊंगा, तू से और कहाँ ले जाऊंगा। लेकिन यार वो मुझे माफ कर देगी ना? बिंदास जरूर माफ कर देगी।
मैंने तुझसे कहा था ना, ऐसी लड़की बड़ी किस्मत वालों को मिलती है। बाय। डेढ़ बज चुका है, टेलीविजन रात के 10 बजे के बाद बंद हो जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोई नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोच रहा था तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? हाँ, तुम खाना इतना अच्छा बनाती हो, इस घर की एक एक चीज का ख्याल रखती हो, जैसे मेरा कहने का मतलब है, नहीं मेरा मतलब है, तुम अगर चली जाओगी तो मेरा नहीं इस घर का क्या होगा? हाँ, तुम चाहते हो मैं चली जाऊं? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? चाहने से ही तो सब कुछ होता है अमर। ये कौन सी जगह है? यही तुम्हारी मंजिल है। तुम्हारे माथे पर लगा झूठा कलंक आज यहां मिट जाएगा। हाय अमर। हाय। हाय शीतल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शीतल, अमर ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आज मैंने इन सबको इसलिए इकट्ठा किया है मैं अपने घर वालों की तरफ से आपसे माफी मांग सकूं। शीतल बेटी, मैं क्या कहूं, हमने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती की, हो सके तो हमें माफ कर देना। आओ मेरे साथ, आओ आओ बेटी। अच्छा यार, हम चलते हैं। अबे तू कहाँ जा रहा है यार, तेरे बगैर पार्टी में मजा थोड़ी आएगा। नहीं नहीं यार, हमें जरा सा काम है और फिर हम तो यहाँ अपना फर्ज निभाने आए थे। उनकी
शीतल, आज मैं तुमसे शादी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर। तो मैं कहाँ अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। हम पुलिस वाले चोरों को सूरत से पहचान लेते हैं। जब अमर तुम्हें यहाँ लाया था ना, तो मैंने उसी वक्त अंदाजा लगा लिया था कि वो तुमसे प्यार करता है। वो मेरा यार है, अगर वो मेरी दोस्ती के लिए अपनी प्यार की कुर्बानी दे सकता है, तो मैं भी अपनी दोस्ती के लिए उसके प्यार को तोहफे में लौटा सकता हूँ। शीतल, अमर मेरा दोस्त है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं, बिल्कुल अकेला है। उसका ख्याल रखना, यह एहसान मुझ पर होगा। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? पहले भाभी तो बन जाओ, फिर पहुंच लेना। शीतल, ये तुमने ठीक नहीं किया। सुनील तुम्हारे काबिल है, मैं तो गुजरा हुआ आदमी हूँ, मेरे पास तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे पास मुझे प्यार मिलेगा। लेकिन इस प्यार के लिए तुम्हें जिंदगी भर ठोकरे खानी पड़ेंगी। खाऊंगी। शीतल, तुम नहीं जानती हो मैं गुनहगार हूँ। गरीबी ने मेरी माँ का गला घोट कर मार डाला, और मैंने गरीबी का गला घोटने के लिए एक ऐसा रास्ता अपनाया जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। एक ना एक दिन मुझे अपने गुनाहों की सजा मिलेगी, मुझे कानून के रास्तों से गुजरना होगा, मुझे जेल जाना होगा। शीतल, अमर, तभी तुम्हारे दामन पे लगे गुनाहों के दाग मिटेंगे। गुनाह तो सब कोई करते हैं, लेकिन करके पछताने वाला इंसान होता है। वाकई ये लड़की शीतल तुम्हारे काबिल है। इस बच्ची का क्या नाम है? पिंकी। पिंकी, ओ शी इज वेरी स्वीट। यही तो हमारा संसार है, जिसकी वजह से हमने आपसे गुजारिश की है कि आप हमें छोड़ दीजिए। अब जो काम आप हमसे करवाना चाहते हैं, हमसे होगा नहीं। अमर, तुम तो समझदार आदमी हो, तुम्हारे लिए तो इतना ही इशारा काफी है कि यह काम एक दलदल की तरह है। इसमें जो एक बार कदम रखता है, दिन ब दिन धंसता ही चला जाता है, फिर वो वापस नहीं निकल सकता। क्यों नहीं? इसलिए कि पहले तो उसे पुलिस नहीं छोड़ती, और अगर पुलिस ने छोड़ भी दिया तो हम नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस का सबसे पहला उसूल यह है कि राजदार को इस तरह से छोड़ देना अपनी मौत को बुलाने के बराबर है। हम आपसे वादा करते हैं, ये राज हमेशा राज रहेगा, हम किसी के सामने एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे। शायद तुम्हारा वास्ता कभी पुलिस वालों से नहीं पड़ा है। पुलिस ने अच्छे अच्छे मुजरिमों की जबान खुलवा दी है, तो फिर तुम्हारी क्या हस्ती है? आप तो जानते हैं, वादे के पक्के हैं, मर जाएंगे लेकिन जबान नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं, तुमने तो ये भी वादा किया था कि यहाँ आने के बाद कभी जाने का नाम नहीं लोगे। ऐसा कोई वादा नहीं किया। तुम झूठ बोलते हो। झूठ हम नहीं, झूठ आप बोल रहे हैं। ये तो हम आपका लिहाज रखते हुए इस गुनाह के रास्ते से हटने की इजाजत मांगने आए। अगर हम चाहते तो बिन बताए जा सकते थे। अब हम जा रहे हैं और देखेंगे कौन माई का लाल हमारा रास्ता रोकता है। ये चैलेंज तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। ये तो वक्त बताएगा, चैलेंज हमें भारी पड़ेगा या तुम्हें। क्या खबर लाए हो? उस लड़की का बाप मर चुका भैया। लड़की कहाँ है? उसका भी कुछ पता नहीं चला। निकम्मे भरे हुए हैं सारे, गिर आप भ्रम यार। ये तो वही लड़की है। अरे अबे क्या हुआ, हंसता क्यों है? भैया लड़की मिल गई। मिल गई? हाँ। कहाँ है? ये देखो। अमा, ये लड़की तो अमर के घर में रहती है। अमर के घर में? हाँ। वेरी गुड भैया, ये वही लड़की है जिसको मैंने डॉल दी थी। अरे ये क्या, किसी ने सारा घर चौपट कर दिया। किसी चीज को हाथ मत लगाना जब तक पुलिस नहीं आती। महाराजा को जब लंदन में गिरफ्तार किया गया तो उसके पास हीरे नहीं थे। उसका कहना है कि उसने बैसाखी में हीरे छुपाए थे। इसका मतलब यह हुआ सर कि प्लेन में हीरे चोरी हुए। एग्जैक्टली। उसका बयान है कि दिल्ली से एक नौजवान उसके साथ लंदन के लिए हवाई जहाज में बैठा, लेकिन बंबई में उतर गया। वो नौजवान कौन था उसका पता लगाना बहुत जरूरी है।
और ये काम मैं तुम्हारे सपोर्ट करता हूँ। राइट सर। अंकल, ये लोग ने मेरी सारी गुड़िया तोड़ डाली। कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हें नहीं ले देंगे। अमर, मेरे ख्याल से उन्होंने सोचा हो कि जिस चीज को उन्हें तलाश है वो शायद गुड़िया में हो। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो गुड़िया में पाई जाए? वही तो मालूम करना है। हवलदार जी साहब, जरा किसी से कहने के बस पानी दे, अभी लाता हूँ। छुपा तेरा बाप आ रहा है। हाँ। बाबूजी एक गिलास पानी मिलेगा? शंकर तुम? हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ काम करता हूँ, इस घर का मैनेजर हूँ। आपको कोई एतराज है? आपको कुछ बोलना है? अब बोलने जैसा कुछ रहा ही नहीं। तुम चार गालियाँ दो तो भी मैं सुन लूंगा। अच्छा, बड़ी शराफत दिखा रहे हो। जब शराफत से तुम्हारे घर तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया था तो कुत्ते की तरह लात मारकर भगा दिया था मेरे को। उसी दिन के लिए तो मैं रो रहा हूँ बेटा। न मैं जबरदस्ती उसकी दूसरे के साथ शादी करवाता, न वो खुदकुशी करती बेटा। मोहन, एक गिलास पानी दे। ए, घूर घूर के क्या देख रहे हो? इसकी शक्ल बिल्कुल मेरे बेटी से मिलती जुलती है जी। अरे तो इसलिए तो मैंने इसको यहाँ रखा है। हाँ। बालचंदर जी। हाँ। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता था। हाँ। जब उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका। हाँ। तो उसकी शक्ल का मिलता जुलता एक दोस्त लेकर आया। बेटा मुझे माफ कर दो। बस बस कर दिया माफ। एक बात बताओ। हाँ। अगर तुम्हारी बेटी जिंदा होती। हाँ। तो तुम क्या करते? अरे क्या पागल जैसे पूछ रहे हो। मेरी बेटी अगर जिंदा होती। हाँ। तो मैं फट से तुम्हारे साथ शादी करवा देता। आए? पक्का? पक्का। मोहन जी, अपनी पगड़ी उतार और अपने बापू के पांव पकड़। यह है तुम्हारी लड़की। बापू, बापू। बेटी तुम जिंदा हो। लेकिन बापू, तुमने मुझे अभी घर जाने के लिए जबरदस्ती की, मैं सच में खुदकुशी करूंगी। घर नहीं ले जाऊंगा, नहीं ले जाऊंगा। ससुर जी, अब तो खुश हो? मुबारक। अब तो बहुत खुश हूँ। हवलदार काला बंद। बाल चंदर जिंदा। अमर, ये टिकट तेरी है? दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से लंदन। हाँ, वो अचानक बंबई में तबीयत खराब हो गई थी इसलिए लंदन जा नहीं सका। तो कमाल है यार, टिकट वापस कर देनी थी, कुछ पैसे वापस आ जाते। याद नहीं रहा, कर लूंगा। अच्छा सुनील, एक बात बता, ये लोग मेरे घर में क्या ढूंढ रहे थे? तू फिक्र मत कर यार, एक दो दिन में पता चल जाएगा। सिगरेट पी। क्या सोच रहे हो? हाँ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं यार, यू ही सोच रहा था कि मुझे भी कभी कभी ऐसे ऐसे निशान छोड़ जाते हैं जिनका उन्हें खुद एहसास नहीं होता। कमान कमान, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। कम, चल। Are you sure वो आदमी जो महाराजा के साथ ट्रेवल कर रहा था? Yes, I'm very sure about it. Thank you. क्या बात है सुनिए? एक मुजरिम के लिए तुम्हारी आंखों में आंसू? काश के वो सिर्फ मुजरिम होता, मेरा दोस्त ना होता। जरा ये दो चट्टी वाली वीक मेरे सर पर लगा दो आंटी। आंटी? ये दीदी से मैं आंटी कब से बन गई? क्या करें, मजबूरी है। सुना आपकी और अंकल की शादी होने वाली है, इसलिए मैं अभी से प्रैक्टिस कर रही हूँ आंटी बोलने की। भैया, घर का कोना कोना छान डाला लेकिन गुड़िया का कुछ पता न चला। अगर गुड़िया का पता नहीं चला है तो उस बच्ची को उठा लाओ। बच्ची को? हाँ, हम उससे पूछेंगे कि गुड़िया कहाँ है। बेटी रो मत, तुम जहाँ कहोगे हम तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। ये बता दो कि वो गुड़िया कहाँ है। कौन सी गुड़िया?
वही जो मैंने तुम्हें एयरपोर्ट पर दी थी। चिल्लाओ मत, बेबी के साथ आहिस्ता बात करो। हाँ बेटे, ये लो चॉकलेट। अब बताओ हमें कि तुमने वो गुड़िया कहाँ रखी है? पापा के पास। फिर झूठ बोलती है, तुम्हारा पापा तो मर चुका है। लेकिन गुड़िया भी तो पापा के साथ कब्र में। तुम्हारे पापा की कब्र कहाँ है बेटे? कब्रिस्तान में। कौन से कब्रिस्तान में? मुझे नहीं मालूम, अमर अंकल को मालूम है। पिंकी का कुछ पता चला? सब जगह ढूंढा, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, लेकिन कहीं कुछ नहीं पता चला। हेलो, अगर तुम्हें तुम्हारी बच्ची चाहिए और वो भी जिंदा, तो जो मैं कह रहा हूं वो करो। कौन हो तुम? बको मत, सुनते जाओ। अभी और इसी वक्त वर्सोवा के कॉटेज नंबर 18 पर आ जाना, वहां से मेरे आदमी तुम्हें लेकर यहां आ जाएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखो कि अगर तुमने पुलिस को इत्तला देने की कोशिश की तो तुम्हारी खूबसूरत बच्ची छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में तुम तक पहुंचा दी जाएगी। क्या हुआ? वो लोग पिंकी को उठा कर ले गए। कौन लोग? मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने मुझे फौरन इसी वक्त बुलाया। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, उन्होंने कहा अकेले आने के लिए। आई मस्ट गो। सुनील, तुम? इंस्पेक्टर सुनील वर्मा, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। गिरफ्तार? हाँ, आज तक तुमने जितने भी जुर्म किए हैं उन तमाम के सबूत मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। सुनील, मुझे सबूत की जरूरत नहीं है। मैं खुद इकरार करता हूँ कि मैंने ये जुर्म किए हैं। लेकिन एक मेहरबानी कर दो मुझ पर, मुझे इस वक्त गिरफ्तार मत करो, मुझे जाने दो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कानून मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता। सुनील, तुम कानून के मुलाजिम हो, कुछ दिनों की मोहलत तो दिलवा सकते हो मुझे? नहीं अमर, ये मेरे बस में नहीं। सुनील, तुम्हें याद है मैंने एक दिन तुम्हारी जान बचाई थी और तुमने मुझे वचन दिया था कि जिंदगी में कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तुम इनकार नहीं करोगे। अब वो दिन आ गया सुनील, 3 दिन की तो बात है, 3 दिन की मोहलत दिलवा दो, इनकार मत करो सुनील, प्लीज। अमर, तेरी दोस्ती के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं, लेकिन अपने फर्ज को धोखा नहीं दे सकता। सुनील, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तू अपने अमर के लिए इतनी छोटी सी भीख नहीं दे सकता? अरे जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा, और अगर कहीं तू मुझे अपने साथ ले गया तो मैं सारी जिंदगी अपने माथे पर कलंक लगाए जेल में सड़ता रहूंगा। और अगर कहीं तुमने मुझे जाने दिया तो मैं उन्हीं लोगों को तेरे कानून के हवाले करूंगा जो लोग हमारी कमजोरी और हमारी मजबूरियों का फायदा उठाकर हमें बुरा बनाते हैं, गुमराह बनाते हैं। तो चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। नहीं सुनील, नहीं, मुझे अकेले जाना होगा। अगर तू मेरे साथ जाएगा तो किसी की जिंदगी का सवाल है, सारा मामला चौपट हो जाएगा। और फिर 3 दिनों की तो बात है, अगर मैं 3 दिनों में कामयाब ना रहा तो मैं खुद आकर अपने आप को तेरे हवाले कर दूंगा। रे ठीक है अमर, मैं अपने ओहदे को गिरवी रखकर तुझ पर भरोसा करके तुझे 3 दिन की मोहलत देता हूं। जा अमर, लेकिन एक बात याद रखना, दोस्त के भरोसे का खून मत करना, वादा कर मेरे दोस्त। मैं वादा करता हूं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। थैंक यू। कैप्टन, शुक्र है आपने हमें पहचान तो लिया। क्या हम जान सकते हैं हम इस हाल में यहां क्यों लाए गए? आपके चैलेंज का जवाब देने के लिए। चैलेंज? हाँ, यस यस। उस दिन जाते वक्त आप कह गए थे कि वक्त बताएगा कि यह चैलेंज किसे भारी पड़ता है। कैप्टन, काम की बात करो। तो सुनो, बेटा। नहीं, बेटा, तो यहाँ पर किसी ने मारा या डांटा तो नहीं? बोल, बोल।
अगर तुझे यहाँ पर किसी ने मारा या डांटा हो तो हम उसकी जबान खींच लेंगे, उसके हाथ काट देंगे। अमर साहब, आप जहाँ हैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा एक इशारा आपको कहाँ पहुँचा सकता है। इस ड्रामे को छोड़िए, ये बताइए कि हीरे कहाँ हैं? हीरे? कौन से हीरे? हमारे हीरे इस बच्ची की गुड़िया में हैं, और वो गुड़िया इस बच्ची के बाप की कब्र में, और वो कब्र किस कब्रिस्तान में है ये हमें आप बताएंगे। क्या सोच रहे हैं? कैप्टन, आज तक शैतान का नाम सुना था लेकिन आज उसकी सूरत भी देख ली। ये बच्ची उस वक्त तक हमारे पास रहेगी जब तक हमें अपने हीरे नहीं मिल जाते, समझे? समझा। कैप्टन, कैन आई यूज योर बाथरूम? बाथरूम? ओह श्योर जॉन, टेक हिम अलोंग। थैंक यू कैप्टन, यू आर वेरी जेनरस। अल्लाह के नाम से कुछ दे दे बच्चा, अल्लाह तेरा भला करेगा, मालिक तुझे सुखी रखे। अल्लाह, 10 का नोट। अरे वाह, इसमें तो एक चिट्ठी भी है। भाई साहब जरा इसे पढ़ दीजिए। पढ़ने वाले से विनती है मेरे घर टेलीफोन करके शंकर को सेंट पॉल कब्रिस्तान में भेज दो। जल्दी कराओ, मैं कहता हूं जल्दी कराओ। मदद करता है। तुम ठहरो, मैं देखता हूं। आइए। थैंक यू। ओह डार्लिंग, तुम मरने के बाद भी कितना यंग और हैंडसम लगता है। होल्ड ऑन मैडम, होल्ड ऑन। देखो शायद जिंदा हो। कई बार ऐसा होता है कि आदमी जिंदा होता है लेकिन लोग उसे मरा हुआ समझकर दफना देते हैं। लेट मी हैव अ लुक। ओके, I'm sorry, darling. ये आदमी तो मर गया है। शंकर, कब्र से हीरे निकालो, मैं इसे पुलिस स्टेशन छोड़कर आता हूं। ओके। कमान,
कमान। क्या हुआ? कौन है ये? ये उन्हीं शैतानों का चेला है जिनसे निपटने के लिए मैंने तुमसे 3 दिन की मोहलत मांगी थी। वो तो भाग गए। खैर खैर, इसकी जुबान खुलवा सुनील, इसका बोलना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत बुरी तरह जख्मी है, इसे तो पहले हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ेगा। ये जब होश में आ जाए और डॉक्टर इजाजत दे तभी इसका बयान ले सकते हैं। Excuse me? Sure. ये क्या कर रही हो? डॉक्टर ने कहा है मरीज को गोली खिलाने से फौरन होश आ जाएगा। और देखिए, अगर इन्हें आधे घंटे तक होश ना आए तो प्लीज एक गोली और खिला दीजिए, मरीज को यकीनन होश आ जाएगा। थैंक यू। और जब मैं आधे घंटे के बाद गोली देने गया तो मर चुका था। अमर, बाद में पता चला कि वो बदमाश औरत नर्स नहीं, उसी गैंग की भेजी हुई थी। उस औरत का हुलिया बता सकते हो, कैसी थी वो? चेहरे की हड्डियां उभरी हुई, गुड लुकिंग, बड़ी बड़ी आंखें, चाल डांसरों जैसी। और वो गोलियां? ये रही, जानते हो उसमें क्या है? पोटेशियम साइनाइड। इसके खाते ही आदमी 1 मिनट के अंदर अंदर मौत के घाट उतर जाता है। बच्ची जहाज पर पहुंच गई, गुड। अच्छा, पुलिस को कोई शुबा तो नहीं हुआ? वेरी गुड। ओके, मैं भी आ रहा हूं। अच्छा डार्लिंग, मैं चलता हूं। मुझे पुलिस से तो डर नहीं लगता, लेकिन अमर से बहुत डर लगता है। उसका कुछ बंदोबस्त कीजिए। तुम फिक्र न करो, वो एक बार मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसको उसी तरह गाड़ी के नीचे कुचल कर मारूंगा जैसे मैंने उसकी माँ को मारा था। ओके डार्लिंग, मैं चलता। अगर आवाज निकाली तो तेरी जिंदगी की आखिरी आवाज होगी। बोल, कैप्टन ने जो कहा वो सच कहा? यही मेरी मां का कातिल है? क्यों क्यों मारा उसे? क्यों उसकी जान ली? क्या बिगाड़ा था मेरी मां ने उसका? बोल बोल, नहीं तो गोली मार दूंगा। एक कैप्टन, हाँ, एक रोज कैप्टन अपनी गाड़ी में एक लाश रख रहा था और तुम्हारी मां ने उसे देख लिया था। कहां गया है कैप्टन? बोल। मुझे नहीं मालूम। बोल सच, मुझे नहीं मालूम। कौन से जहाज पर गया है? मुझे नहीं मालूम, सच मुझे नहीं मालूम। हाँ तो तू इस तरह नहीं बताएगी? हाँ, ये गोली पहचानती हो? ये वही गोली है जो तुमने कीर्ति को अस्पताल में दी थी, जिसे तूने हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी थी। हाँ बोल, अब तुझे इस गोली का असर मालूम है कि तू कितनी जल्दी मरने वाली है? बोल बोल। बताते हो मां, डार्लिंग में एक जहाज है, सिस्टर, तुम्हारी बच्ची और कैप्टन वही है। क्या भक्ति हो? मैं ठीक कह रही हूं। कातिल है, मैंने अपनी मां की लाश के सामने बैठकर कसम खाई थी कि जब तक उसके कातिल का बदला नहीं लूंगा चैन से नहीं जीऊंगा। अब तेरा वक्त आ गया है, अब तो धरती भी तेरे नापाक जिस्म का बोझ नहीं उठा सकती है। जा पानी में डूब। नहीं नहीं अमर, मुझे तैरना नहीं आता। कमीने, तेरी यही सजा है।
हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट ने ही जाकी है। दिखने में कीचेन है लेकिन इसके अंदर एक ट्रांसमीटर है। इसे किसी के जेब में या गाड़ी में रख दो तो 5 मील के फासले तक हम उसका आसानी से पीछा कर सकते हैं। लेकिन हम उस आदमी या गाड़ी तक पहुंचेंगे कैसे? इसके जरिए। इसके? दिखने में टॉर्च लाइट है लेकिन इसके अंदर रिसीविंग यूनिट है। इसका सिग्नल हमें बताता रहेगा कि वो आदमी या गाड़ी कहां कहां है। वेरी नाइस। शर्मा एक काम करो, तुम जीप में बैठकर चक्कर लगाओ। आई टेस्ट इट। वेरी गुड। हेलो सुनील। अमर, अरे ये बच्ची मिल गई। नमस्ते सुनील। 3 दिन की मोहलत पूरी होगी और वादे के मुताबिक मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करने आया हूँ। मुझे विश्वास था अमर कि तुम जरूर आओगे। मेरे दोस्त हो, कानून तोड़ सकते हो लेकिन दोस्ती नहीं। और इस दोस्ती को 4 चांद लगाने के लिए एक ऐसी चीज लाया हूँ जिससे तुम्हारे इस कंधे पर एक सितारा और बढ़ेगा। अच्छा, ऐसी क्या चीज है? वो हीरे जिसके लिए सरकार और पुलिस दोनों बेचैन थी। हेलो, यस पुलिस स्टेशन। हाँ है अमर, तेरे टेलीफोन है। मेरा? हेलो। हेलो अमर, मैं शीतल बोल रही हूँ। शीतल, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मैं, तुम कहाँ से बोल रही हो? मेरे यहाँ से। कैप्टन, तुमने तो समझा था कि शायद मैं डूब कर मर गया, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 1958 में राजेंद्र बहल नाम का आदमी तैरने में स्विमिंग चैंपियन माना गया था। वो तुम्हारा यही खादिम है जिसे तुम कैप्टन के नाम से जानते हो। लेकिन तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी खूबसूरत बुलबुल मेरे पास है और इस वक्त मैं उसकी क्या हालत बनाऊंगा इसका नमूना पेश करूं। कैप्टन, कैप्टन, तुम्हारे पास जो छोटे छोटे हीरे हैं वो मेरे हवाले कर दो और मेरे कब्जे में जो तुम्हारा बड़ा ही खूबसूरत और कीमती हीरा है उसे ले जाओ। मैं अभी आया। अमर, कहाँ जा रहे हो? किसका फोन था? मेरा पर्सनल फोन था, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अमर, यू कांट गो। तुम्हारे मांगे हुए 3 दिन पूरे हो चुके हैं, इस वक्त तुम पुलिस की हिरासत में हो। इस वक्त मुझे मत रोको, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है सुनील। अमर रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। गोली? तुम मेरे दोस्त हो, तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकते। इस वक्त मैं तुम्हारा दोस्त नहीं अमर, एक पुलिस ऑफिसर हूं। अगर मैं जाऊं तो? मेरे अंकल को मत मारो। खबरदार, एक कदम भी पिस्तल की तरफ बढ़े तो मैं गोली मार दूंगा। तुम मेरे दोस्त हो अमर, गोली नहीं चला सकते। इस वक्त तुम मेरे दोस्त नहीं, मेरे सर पे खून सवार है। अमर, अपनी पिस्तौल मेरे हवाले कर, वरना मेरे पिस्तौल की गोली तुम्हारे भेजे को छलनी कर देगी। सुनील, मैं जानता हूँ शर्मा की गोली मेरे भेजे को छलनी छलनी कर देगी, लेकिन मरने से पहले मेरी एक गोली तेरे सीने के पार होगी और इस पुलिस स्टेशन में एक लाश नहीं दो दो लाशें नजर आएंगी। बोल, तुझे क्या मंजूर है? शर्मा से कहो, शर्मा से कहो बंदूक खाली करते हैं। हरी अप। शर्मा, सुनील, शर्मा से कहो कि गोलियां मेरे जेब में डाल दे। सुनील, सुनील, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। अंकल, मुझे भी लेके चलो। वेल डन शर्मा, मैंने तुम्हें गोलियों के साथ ट्रांसमीटर भी उसके जेब में डालते हुए देख लिया था। अब इस टॉर्च के जरिए उसका पीछा करूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बोल दो इसकी पट्टी। हीरे लाए हो? हाँ, पहले शीतल को छोड़ दो। छोड़ दो। शीतल, शीतल फिक्र नॉट, बिंदास, अब मैं आ गया हूं। अब हीरे हमारे हवाले कर दो। आज तो तेरी चाल कामयाब रही, लेकिन मां कसम तुझे छोड़ूंगा नहीं, एक ना एक दिन तुझे देख लूंगा। कहां शीतल?
रहा तेरा ये बाप कैप्टन कहाँ है? चट इस वक्त। हाँ हाँ बोल बोल। सीमेंट वाले फैक्ट्री पर है वो, वहीं पर था। ठीक है जानी, 50 लाख में ही ले जाओ। ओके। Thank you.
लड़की को यहां से। रंजीत तुम उधर जाओ। खबरदार, जो एक कदम आगे बढ़ा। देख लिया बेटे, हाथियों से गन्ने नहीं खाया करते हैं। पहले तुम्हारा नंबर और उसके बाद ये तुम्हारे पीछे आएगी। रास्ते से गुजरना होगा। यस इंस्पेक्टर। अंकल। अरे कितनी बड़ी हो गई तू। अमर। हाय अमर। हेलो जलील। ये है, ये मेरा है। अभी तो एक और आने वाला है। आप तो 4 साल के लिए अंदर थे ना। दो दो बस 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 बस, परिवार नियोजन, हम दो और हमारे दो। अरे अब आप दो और आपके दो कब है। ओए देवी घर चलो, घर उन दिन है सोना। तुम बिन है सोना।